माता पिता के प्रति सेवा और समर्पण को लेकर श्रवण कुमार की कहानी आज भी प्रासंगिक है। वर्तमान कलयुगी दौर में ऐसा ही एक उदाहरण एक नन्ही बालिका पेश कर रही है। बच्चे अपने पिता के अच्छे स्वास्थ्य की कामना को लेकर नर्मदा परिक्रमा पर निकली है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कलयुग में श्रवण कुमार का फर्ज निभा रही बेटी अपने पिता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पैदल नर्मदा परिक्रमा पर निकली है। सबसे कम उम्र की परिक्रमावासी को देख हर कोई अचंभित होकर स्वागत कर रहा है। दरअसल ब्राह्मण गांव में नर्मदा परिक्रमा करते नजर आई छोटी बच्ची खरगोन जिले के नवाड़ा खीरी की है। 10 वर्षीय बालिका माही अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर अपने नाना नानी के साथ पैदल नर्मदा परिक्रमा कर रही है। माही ने बताया कि उसके पिता को पैरालिसिस हो गया है और मैंने सुना है कि माता नर्मदा की परिक्रमा से हर इच्छा पूर्ण होती है। मेरा मानना है कि मेरी नर्मदा परिक्रमा से मेरे पापा का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। इसी को लेकर माही ने ओंकारेश्वर से नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत की जो कि अमरकंटक से होते हुए पुनः ओंकारेश्वर में समाप्त होगी। नवाड़ा कौन से जिले में लगता है? ओंकारेश्वर। और कहाँ समाप्त होगी? गुजरात से जाके अमरकंटक से जाके फिर ओंकारेश्वर में समाप्त हो जाएगी। कौन से उद्देश्य से कर रहे हो आप? पापा को लगवाया इसलिए। क्या उम्र है आपकी? 10। 10 साल। कैसे मन में ये प्रेरणा आई कि मैं माता जी की परिक्रमा करना चाहती हूँ? आपके मन में बताओगे कुछ? नन्ही बालिका को देख नगरवासियों का कहना है कि अभी तक नर्मदा परिक्रमा में बुजुर्गों को देखते आए हैं लेकिन इतनी कम उम्र की बच्ची को नर्मदा परिक्रमा करते पहली बार देखा है। ब्यूरो रिपोर्ट MP News TV ठीक है।